सो लेट गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो डिवाइस के अंदर आप जो है एप्लीकेशंस को हाइड कैसे कर सकते हो। इसमें जो आपको इन्फिनिक्स में जो फीचर्स मिलता है वो एक साइड का मिलता है और इसी एक साइड की मदद से हम जो अपने फोन के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं करना क्या है, आपको यहाँ पर एक फोन बूस्टर नाम से एक एप्लीकेशन मिलता है। हालांकि हमारे फोन में काफी सारी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसको सर्च करने में, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोन मास्टर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फोन मास्टर को आप ओपन कर लीजिए। फोन मास्टर का इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलेगा। हालांकि बूस्ट नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ पर बूस्ट वगैरह भी कर सकते हो, बैटरी सेविंग वगैरह का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। नीचे आना है, सबसे लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, ऐप लॉक आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक साइड पे आपको क्लिक करना है जहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। हालांकि मैंने इसके अंदर में भी शायद एक पासवर्ड क्रिएट करा है, इसको देखते हैं। हाँ, पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट है। अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट नहीं है तो आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, चेंज सेफ्टी पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कोई दूसरा भी पासवर्ड हम बना सकते हैं, देखो कंफर्म कर देंगे, अभी एक दूसरा पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा। हालांकि मुझे जो एप्लीकेशन को हाइड करना है उसके लिए हिडन ऐप्स पे क्लिक करेंगे। मेरा एक इंस्टाग्राम जो है ये ऑलरेडी हाइड है, इसको हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे अगेन। और यहाँ से हम जो है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना है, बस आप उसको चेक मार्क कर दीजिए इस तरह से। हालांकि एक बार में एक ही एप्लीकेशन हाइड होता है, इसके बाद कंफर्म करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। अगेन कोई एप्लीकेशन हाइड करना है, फिर से क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये एप्लीकेशन भी इजिली हाइड हो जाएगा। अगर इसको देखना है कि एप्लीकेशन हाइड कहाँ है तो आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर टू फिंगर को आप यहाँ पर ऊपर करेंगे। इस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, टू फिंगर को ओपन करेंगे तो आपका पासवर्ड मेथड आ जाएगा जिसमें आपको पासवर्ड अपना एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करूंगा तो फिर से हमारे पास वही सेम फोन मास्टर वाला एप्लीकेशन से प्रॉपर ओपन हो जाएगा और यहीं से आप एप्लीकेशन जो आपने हाइड करा है उसको यूज भी कर सकते हैं। आई होप गाइस आप समझे होंगे कैसे एप्लीकेशन को हाइड करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।